आज दिन में बड़ी चट्टान के पास रहना, वहाँ एक संगीत का कार्यक्रम होने जा रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई संगीत बजाने का सामान हो तो लेते आना, अगर तुमको बजाना आता हो तो। सब लोग ध्यान से सुनो, आज दोपहर 12 बजे सबको चट्टान के पास आना है। सारे जानवर वहीं पर इकट्ठा होंगे, वहाँ पे संगीत का बड़ा उत्सव होना है। तुम सब मेंढक को संगीत के कार्यक्रम में आना है, क्योंकि सबकी जरूरत है जिसे संगीत आता हो। तुम अकेले अभ्यास कर सकते हो। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, पर मुझे शक है कि वो जानवर मेरी तारीफ करेगा। आज दोपहर में सिम्बा और बकशॉट के सम्मान में एक उत्सव है बड़ी चट्टान के पास, भूलना मत। शेर खान इसके बारे में जानना चाहेगा। सुनो, मैंने सुना है कि आज काव ने दोपहर में एक बड़े उत्सव की घोषणा की है। सिम्बा और बकशॉट के सम्मान में आज बहुत बड़ा उत्सव है, हम सब वहाँ जा रहे हैं। हम सब वहाँ नाचेंगे गाएंगे, तुम लोग भी आना, बहुत मजा आएगा। चलो दोस्तों, वहीं मिलेंगे। हमें भी जाना चाहिए। सिम्बा और बकशॉट के सम्मान कार्यक्रम में सबको बुलाया गया है, हम बड़ी चट्टान पे मिलेंगे और सब लोग अपना संगीत का सामान लेते हुए आए। काओ, क्या हो रहा है काओ? काओ, आज दोपहर में सिम्बा और बकशॉट के सम्मान का समारोह है। ये सब किसका विचार है, क्या बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, ये अगस्त्य का विचार है। हम उनका सम्मान करेंगे क्योंकि उन्हें शक्तियाँ मिली हैं। ये तो अच्छी खबर है। अरे मोटू, उठ भी जाओ, हमें जाना है समारोह में, जल्दी करो। क्या हुआ, कैसे हो काओ? तुम दोनों इस बड़े कार्यक्रम में आमंत्रित हो, अगर तुम लोगों के पास संगीत बजाने का कोई सामान है तो साथ में लेते आना। चलो तैयार होते हैं। सुनो, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं, हम काम करेंगे, हमें अपनी तैयारी करनी है। किसके लिए? हमें क्या पता, वहाँ कुछ भी हो सकता है, हमें हर हालात में तैयार रहना चाहिए। नाचते हुए किसी को चोट लग सकती है, हमें दवाइयाँ तैयार करनी होंगी। जब मोटू और पतलू आ रहे तो इनमें से कोई भी बेहोश हो सकता है। अगर हम इस रास्ते से गए तो जल्दी पहुँचेंगे, चलो आओ। तुम सोचते हो वहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा? असल में हम ध्यान कर रहे थे, क्यों सही है ना मोटू? अच्छा ठीक है, जल्दी चलो, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा यार। चलो बेटा, चलो जल्दी चलो। बस इस समय तुम देखो कि तुम्हारे पैर कहाँ जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, मजा आने वाला है, मजा आएगा वहाँ पे, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल। ये कोई नई बीमारी है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक कहती हो, इससे तो अच्छा है कि हम तैयार रहें। तुम कलाकारों के साथ बात नहीं कर सकती, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? मेरा भोपू मेरे पास ले आओ। ठीक है। बहुत मजा आ रहा है। क्या तुम लोग जानते हो कि पिछली बार अगस्त्य ने अपना भोपू कहाँ छिपाया? मुझे लगता है वो झाड़ियों के पीछे है। हाँ, याद आ गया, मदद के लिए शुक्रिया। सुनो सभी लोग ध्यान से सुनो, कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ मैं। भारी है ये।
सभी लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग सुने। अगस्त्य ये लो। मैं उनको शांत करता हूँ। शांत हो जाओ, उत्सव अब शुरू होने वाला है। वैसे उत्सव कैसे कह सकते हैं जब खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं। अभी खाने की बात मत करो। ठीक है बलू, तुम दोबारा मुझ पर वजन डाल रहे हो। अच्छा ठीक है। का तुम भी शांत रहो। माफ करना दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं। अरे भाई हटो, अपन शुरू करते हैं। हां बैठो, ठीक से बजाना। तुम ठीक से बजाना। हां हां, अच्छा सब लोग तैयार हैं? हां तैयार है, सब तैयार है। क्या आप सब तैयार हैं? सुनो, एक बात मैं तुम्हें ऑर्केस्ट्रा के बारे में बताना भूल गया। क्या तुम्हारे पास समय है? हाँ बिल्कुल। ये बहुत परेशान कर रहा था। क्या तुम पक्का हो कि तुम्हारी चू चू की आवाज से किसी को परेशानी नहीं होगी? जब तुम छड़ी से इन तारों को छेड़ोगे तो? चिंता की बात नहीं है अगस्त्या, अब मैं तैयार हूँ। ठीक है, अगर सभी लोग तैयार है तो अपने अतिथि की ओर ध्यान दे। सभी ध्यान दे। सभी से अनुरोध है कि और जरा ध्यान लगाकर बजाएं। शुरू से। सभी जानवरों को सिम्बा के कार्यक्रम में खुशी मिल रही है। हाँ, वो कौन ने बताया कि कार्यक्रम दिन में शुरू होगा? तो इसका मतलब है कि सिम्बा को कोई नहीं देख रहा। शायद मुझे सब बारे में नहीं पता। जाओ बंदरों को जाकर बताओ, फौरन जाओ। चलो कार्यक्रम खत्म हुआ, अब खाना खाएंगे। बालू क्या तुम खाने के बारे में सोचना बंद करोगे? बहुत अच्छा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। शुक्रिया अगस्त्या। ये थोड़ा लंबा था, क्या कहते हो? चलो फिर से शुरू करो। सुनो नन्हे बच्चों, चुप रहो, तुम लोग हमें परेशान कर रहे हो। सैम तुमने पहले कभी नहीं बताया तुम इतना अच्छा गाते हो। मैंने तो सोचा था कि तुम सिर्फ गेंद अच्छी खेलते हो। क्या तुम हमारे लिए दोबारा गा सकते हो? सैम तुम एक बार फिर से हमारे लिए गाओगे? हाँ, क्यों नहीं। ला 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 ला। तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम हमारे साथ गा सकते हो, आओ हमारे साथ गाओ। हाँ सही बात है, ये तो बहुत अच्छा विचार है। शहद के साथ जश्न मनाते हैं। अब दोपहर हो चुकी है, सिम्बा और बकशॉट कभी भी आ सकते हैं। मैं क्या करूं, वो कब आएंगे?
हम भी उनसे मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। शेर खान ने कहा कि सिम्बा को पकड़ कर लाओ, ये उनका आदेश है। हाँ मजा आएगा समारोह खराब करने में। देखो कौन है। चलो उनसे मिलते हैं। चलो 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 चलो। ये तो आसान था। तुम शुरू कर सकते हो। शुक्रिया। सभी ध्यान दें, शांत हो जाएं। सिम्बा और बक्षार के सम्मान का उत्सव शुरू होने जा रहा है। तो बहुत अच्छा है। हाँ चलो। पहुंच गए। हम पहुंच गए। मोटू चलो घर चलते हैं। चलो भी। अच्छा तो ये यही है। देखकर बहुत खुशी हुई। प्यारी आवाज है। लगता है हमें देर हो गई। यहाँ तो सब खत्म हो गया। नहीं अभी तो शुरू है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया। मुबारक हो मेरे बच्चों, खुश रहो। और अब असली उत्सव शुरू होने जा रहा है। हाँ बच्चों के साथ उत्सव अब शुरू होगा, वो देखो। शुरू करें। हे हा
तुमने सबसे बाद में आने का फैसला लिया, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। तुम तो जानते हो मैं तुम्हारा कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ता। ए, तुम सही समय पे आए हो, कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है। शेर खान को ये सब पसंद नहीं है। वो बंदर हमें दोबारा परेशान कर रहे हैं। क्या तुमने उन्हें बताया नहीं मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। अब मेरे पीछे आओ, मैं खुद देखता हूँ। मैं तो आपके पीछे ही रहता हूँ। तुमने सही कहा था तबाकी, मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। शायद मैं सिम्बा और बकशॉट तक पहुंच सकूं। जब तक मैं हूं तब तक तो नहीं शेर खान। अब देखो मैं क्या करता हूं। इसका इल्जाम भी मुझ पर लगेगा। शेर खान है। उसे पूछ दो। कैसे ले पूछो? मुझे कुछ शहद चाहिए जिससे कि मैं फिर से तरोताजा हो जाऊं। मैं तुमसे सहमत हूं बलू। Oh!
ओ ये ओ ओ ये ओ कितना मजा आया ना, यकीन नहीं आता ये सब हमारे लिए था। मुझे पता है। तुम्हारे दोस्तों को पता है कि उत्सव कैसे मनाते हैं? जरा ऊपर देखो, तुम्हें पता है कि मैं नाच सकता हूँ? मुझे बहुत पसंद आया। ओह आर्बर, हम तुम्हें देख के बहुत खुश हैं। मैं भी बक्शोर। हमने तुम्हें बहुत याद किया, ये है सिम्बा। अब कैसे हो आर्बर? तुम जरा सावधान रहना, मैंने शेर खान को यहाँ आसपास देखा है। इस बार तो मैंने उसे बता दिया, लेकिन वो फिर आ सकता है। तुम लोग सावधान रहना, मुझे तुम्हारे कार्यक्रम पसंद आए, लेकिन अब तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। सबक गंभीरता से लो। हम नहीं भूलेंगे आर्बर। सिम्बा, बक्शोर, तुमने मेरे गाने के बारे में क्या सोचा? ये एकदम सही है, मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे कुछ सिखाएंगी। हाँ क्यों नहीं, मुझे बेहद खुशी होगी। याद रखो बक्शोर, मैं और सितारे हमेशा तुमको देखने के लिए वहाँ रहेंगे। मैं करूँगा आर्बर, शुक्रिया। ये अच्छा है, और अब आपको इस समय अपने घर में बैठना चाहिए। यहाँ आने के लिए शुक्रिया आर्बर, हम जल्दी मिलेंगे। कार्यक्रम अब खत्म हुआ, सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे। आज की रात सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। कल का दिन सिम्बा और बक्शोर के लिए साहस से भरा होगा। क्या आप वहां नहीं होंगे?